चीन ने बनाया मुसलमानों के लिए खतरनाक प्लान। पाकिस्तान का दोस्त चीन में करेगा इस्लाम का चीनीकरण। जी हाँ, सही सुना आपने। चीन की सरकार देश में मुसलमानों को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। अब चीन में मुसलमानों का चीनीकरण किया जाएगा, यानी अब चीन में मुसलमान मुसलमान नहीं रह जाएगा। आखिर क्या है ये चीनीकरण और क्यों पाकिस्तान का दोस्त मुसलमानों पर कर रहा है इतने अत्याचार, आज इसकी पूरी कहानी शेष भारत आपको बताने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं शेष भारत। चीन ने मुसलमानों पर कहर ढाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और इसी के तहत चीन ने शिनजियांग प्रांत में मुसलमानों के चीनीकरण की तैयारी कर ली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग के इस पूरे प्लान के बारे में जिक्र करते हुए बताया है कि मुस्लिम बाहुल्य शिनजियांग में इस्लाम का चीनीकरण जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चीनीकरण क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर कैसे मुसलमानों पर चीन कहर ढाता है। क्या है मुसलमानों का चीनीकरण? इस्लाम के चीनीकरण से मतलब चीन की संस्कृति में मुसलमानों को शामिल करने की प्रक्रिया है। इसमें इस्लाम को चीन की संस्कृति, विचारधारा और जातीय नियमों में मिलाना है। चीन को लगता है कि शिनजियांग का मुसलमान समाज उसके प्रति वफादार नहीं है, इस वजह से चीन लगातार उसकी ईमानदारी पर शक करता है। यही वजह रही कि शिनजियांग में कई मस्जिदों को नष्ट कर दिया गया। शिनजियांग में उइगर मुसलमानों को कैद करने के लिए चीन ने कई बड़े कैंप भी बनाए। इन कैंपों में शिनजियांग के मुसलमानों का शोषण किया जाता है। चीन पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने और उनकी प्रताड़ना के आरोप लगते रहे हैं। मानवाधिकार समूहों का भी ये कहना है कि चीन ने बीते कुछ सालों में 10 लाख उइगर मुसलमानों को जबरन डिटेन किया है। चीन ने शिनजियांग में उइगर मुसलमानों की इबादत पर भी बैन लगा रखा है। इसके साथ ही वे उनकी मस्जिदों को भी नष्ट करता रहा है। पिछले साल अगस्त में यूएन राइट्स की एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें उन्होंने चीन के शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के हालात पर चिंता जाहिर की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन सरकार की तरफ से किए जा रहे उत्पीड़न मानवता के खिलाफ हैं। रिपोर्ट में उइगर मुस्लिमों को जबरन हिरासत में रखने, दुष्कर्म करने, यातना, जबरन मजदूरी समेत कई बातों का जिक्र भी था। चीन पर उइगर मुस्लिमों की जबरन नसबंदी और उइगर बच्चों को उनके परिवारों से अलग रखने के भी आरोप लगे हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पिछले साल कहा था कि चीन उइगर मुस्लिमों का नहीं बल्कि मानवता का नरसंहार कर रहा है। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन की संसद में भी मुस्लिमों पर चीन के अत्याचार का मामला उठा था। 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने कहा था कि उनके पास पुख्ता रिपोर्ट है कि चीन शिनजियांग में 1 लाख उइगर मुस्लिमों को कैद किए हुए है। दरअसल उइगर मध्य एशिया क्षेत्र के अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, जो तुर्की से मिलती जुलती भाषा बोलते हैं। उइगर मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहती है। शिनजियांग में लगभग 1.2 करोड़ उइगर मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा चीन में और भी कई प्रताड़ित मुस्लिम हैं, जिनमें कजाक, उज्बेक, ताजिक और किर्गिज हैं। और अब इन सभी मुस्लिमों का चीन चीनीकरण करने जा रहा है। लेकिन इन मुसलमानों के साथ चीन क्या क्या करता है ये सब जानते हैं, लेकिन मुस्लिम देश और चीन चीन करने वाला पाकिस्तान आज तक खामोश है और पाकिस्तान उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर अनजान बना रहता है। यहां तक कि कई मुस्लिम देश भी चुप्पी साधे रहते हैं। इस्लामी देशों का अगुआ बताने वाला सऊदी अरब भी आज तक इस मुद्दे पर चुप रहा है। इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब का विकल्प बनने का इच्छुक तुर्की तो उइगरों को चीन भेज देता है अगर वो उसकी जमीन पर आ जाएं। पाकिस्तान उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर अनजान बना रहता है। पाक का साथ देने और कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध करने वाला मलेशिया कभी उइगरों के लिए चीन के खिलाफ नहीं बोलता। ईरान ने यहां तक कह दिया है कि उइगरों के दमन से चीन इस्लाम की सेवा ही कर रहा है, यानी चीन मुसलमानों पर हमेशा अत्याचार करता रहा, लेकिन पाकिस्तान हो या फिर कोई और मुसलमान देश, वो हमेशा खामोश ही रहा। वैसे पाकिस्तान हो या कोई मुसलमान देश,
भारत में नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ महीनों तक विरोध प्रदर्शन होते हैं या पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के विरोध में एक अखबार के पेरिस स्थित दफ्तर पर हमला होता है या म्यांमार में रोहिंग्या के बेदखल होने पर हाहाकार मचता है और दुनिया के तकरीबन हर कोने में इस्लाम पर जरा सी आंच आने पर बवाल हो जाता है। लेकिन चीन के खिलाफ दुनिया की करीब एक चौथाई आबादी यानी मुस्लिम देशों का रवैया हैरान करता है जो कई बड़े सवाल उठाता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।